हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो क्या आप भी रोज ऑफिस जाते हो या कॉलेज जाते हो, और रेडी कैसे होना है ये आपके भी दिमाग में कंफ्यूजन रहता है? तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगी कि अगर हम रोज ऑफिस जाते हैं या रोज कॉलेज जाते हैं, जो कॉलेज गर्ल्स होती हैं, तो वो लोग कैसे एकदम सिंपल सा मेकअप किया करके जा सकते हैं, एकदम अट्रैक्टिव लुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। वो भी एकदम स्टेप बाय स्टेप, बस कुछ ही चीज़ों के साथ हम लोग एक अच्छा सा लुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये मैं आप सबको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, मेकअप करते समय सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए वो है मॉइस्चराइज़र। तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे जो है जॉनसन बेबी की मिल्क क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी अच्छी होती है, बिल्कुल मॉइस्चराइज़र की तरह ही काम करती है। तो मैं या तो निविया का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ या तो ये कर लेती हूँ। इससे स्किन जो है काफ़ी सॉफ्ट रहती है, काफ़ी अच्छा फील होता है मुझे। और मॉइस्चराइज़र लगाना जो होता है हमारे फेस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबसे पहला स्टेप जब भी हम मेकअप करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम मॉइस्चराइज़र ही लगाए, ताकि बाद में किया हुआ जो भी मेकअप है, जो भी प्रोडक्ट्स हमने यूज़ किए हैं, वो हमारे स्किन के पोर्स तक ना घुसे। अगर ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे स्किन के पोर्स तक घुस जाते हैं तो हमारे स्किन को जो है काफ़ी हार्म करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा केमिकल होता है इस वजह से। उसके बाद में जो है मैं यहाँ पे बीबी क्रीम यूज़ करूँगी, वो भी पॉन्ड्स की। तो आप जो चाहे वो क्रीम यूज़ कर सकती हो इसके बाद में। तो मुझे पॉन्ड्स की बीबी क्रीम अच्छी लगती है, इस वजह से मैं यही यूज़ करती हूँ हर बार। और इसको जो है मैं सिंपल सा डॉट डॉट कर लेती हूँ पहले पूरे फेस पे, एंड उसके बाद में मैं अपने हाथों से ही ब्लेंड करती हूँ। आप चाहे तो ब्लेंडर से भी यूज़ कर सकते हो, ब्लेंडर भी यूज़ करके इसे ब्लेंड कर सकते हो। मैं हाथों से ही करती हूँ, मुझे वैसा इजी लगता है, तो इसलिए अगर डॉट डॉट कर दिए तो वो जल्दी से ब्लेंड हो जाती है। और ये जो मेकअप है एकदम सिंपल सा मेकअप बता रही हूँ मैं आपको, विदाउट फाउंडेशन, विदाउट एनी कंसीलर। तो इसी वजह से मैंने इसी बीबी क्रीम से अपने अंडर आई एरिया को, जो ब्लैक सर्कल थे, उसे हाइड करने की कोशिश की है, और आप देख सकते हो हाइड भी हो चुके हैं वो। तो बस इसी तरह तरीके से हमें हमारी बीबी क्रीम जो है स्किन पे अच्छे तरीके से ब्लेंड करवानी है, एंड देन हम उसके बाद में लगाएंगे हमारा थर्ड स्टेप। सो फ्रेंड, थर्ड स्टेप आती है हमारी लैक्मी कॉम्पैक्ट की। आप कोई भी कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे लैक्मी का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी सालों से यूज़ करती हूँ मैं। मुझे जो है ये कॉम्पैक्ट काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसे हल्का सा टैप टैप करके हमारे स्किन पे लगाना है, जिससे कि ये अच्छे से लग जाता है। इसमें भी हम कॉम्पैक्ट लगाने के लिए भी हम ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, बट मैं जो हूँ फोम का यूज़ करती हूँ। इससे मुझे मुझे आदत है इससे लगाने की, इस वजह से। तो आप देख सकते हो विदाउट फाउंडेशन भी हमारा फेस एकदम मेकअप लुक की तरह हो गया है। देन फोर्थ स्टेप होगा हमारा आई मेकअप। तो आई मेकअप में हम जो है सबसे पहले आईलाइनर लगाएंगे। तो आपको जैसा आईलाइनर लगाना है आप लगा सकते हो, या तो थिक या तो लाइट। तो मैं जो हूँ एकदम लाइट लगाने वाली हूँ, क्योंकि ऑफिस या कॉलेज के लिए एकदम डार्क का आईलाइनर अच्छा नहीं लगता है। और हल्का सा जो है मैं विंग्स निकालने वाली हूँ, जिससे कि हमारे आंखें अच्छी दिखेगी। इस वजह से मैंने छोटा छोटा विंग्स निकाला है। उसके बाद में हम लगाएंगे काजल। तो काजल में EDS का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, ये अच्छा, काफ़ी अच्छा पिगमेंटेशन देता है। तो आप लोगों को वही काजल यूज़ करना चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग हो और जल्दी स्मच ना होता हो, जो हमें दिन भर हमारे आँखों पे टिका रहे। उसके बाद में मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मस्कारा। तो मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। इससे जो है हमारे आई लैशेज काफ़ी घने घने से लगते हैं। तो इस तरीके से मैं अपने दोनों भी आई लैशेज पर लगा लूँगी। इससे जो है हमारे आँखें भी अच्छे दिखते हैं और हमारे मेकअप का जो लुक है वो और अच्छा लगता है। उसके बाद में सबसे लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है हमारे गर्ल्स के लिए वो है लिपस्टिक। तो मैं यहाँ पे ब्लू हेवन की मैट लिपस्टिक लगा रही हूँ।
तो आप कोई भी शेड लगा सकते हो लिपस्टिक का जो ज़्यादा देर तक टिके रहे। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने एकदम सिंपल सा मेकअप क्रिएट किया है, बस कुछ चार पांच चीज़ों के साथ में, जो कि ऑफिस या कॉलेज के लिए एकदम सही रहेगा। तो आप चाहे तो पोनीटेल भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पे एक साइड में बालों के पार्टीशन करके खुला रखा है। सो फ्रेंड्स, बस कुछ ही पांच छह चीजों से मिलके ही मैंने ये जो मेकअप लुक है इसे क्रिएट किया है। आप लोगों को कैसा लगा है ये मेकअप लुक, मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और आप लोग भी इस मेकअप लुक को ट्राई कीजिएगा। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज प्लीज एक एक लाइक करते जाइएगा। इट्स मीन्स अ लॉट फॉर मी। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट कर जाता है, इसलिए प्लीज प्लीज लाइक करके जाइएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको ऐसे किसी अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।